डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर गन्ने के बारे में अध्ययन किया था और गन्ने के अध्ययन के टाइम में हमने आपको ये भी बताया था कि गन्ने का जो प्रमुख उपयोग है वो चीनी बनाने में किया जाता है। लेकिन क्या संसार में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है? सामान्यतः हम ये जानते हैं कि गन्ने से चीनी का उत्पादन होता है क्योंकि हमारे जो एशियाई क्षेत्र हैं उन एशियाई क्षेत्रों के अंदर गन्ने से ही चीनी का उत्पादन किया जाता है। लेकिन विश्व के अंदर गन्ने के अलावा एक अन्य फसल भी है जिस जो चीनी के निर्माण में काम में आती है। आपने सामान्य रूप से शादियों के अंदर जो एक सलाद का करते हुए देखा होगा, रेड कलर के अंदर, बिल्कुल रेड कलर में, सलजम जैसा रेड कलर होता है उसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुकंदर। तो संसार के अंदर लगभग 70% जो चीनी का उत्पादन होता है वो गन्ने से होता है और लगभग 30% या 30% जो चीनी का उत्पादन होता है वो किससे किया जाता है, चुकंदर से किया जाता है। हमारे जो एशियाई देश हैं, गर्म प्रदेश हैं, अधिक वर्षा वाले और गर्म प्रदेश हैं, यानी उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत गन्ना एक प्रमुख फसल है, इसलिए वहाँ पर जो चीनी का उत्पादन होता है वो तो होता है गन्ने से। लेकिन जो ठंडे प्रदेश हैं या प्रमुख शीतोष्णकटिबंधीय जो प्रदेश हैं, शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेशों के अंदर चुकंदर एक प्रमुख फसल है और वहाँ पर जो चीनी का उत्पादन किया जाता है वो कौन सी फसल से किया जाता है, चुकंदर से किया जाता है। तो चुकंदर क्या काम आता है? चुकंदर का हम सलाद ग्रुप में तो काम में लेते हैं, हाँ, तो ये कि खाने के लिए काम में नहीं ली जाती चुकंदर। चुकंदर वास्तव में चीनी बनाने के लिए काम में आती है, यानी इसको रस निकाल करके उस रस से क्या बनाया जाता है, चीनी का निर्माण किया जाता है। तो इसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? मुख्यतः ये शीतोष्णकटिबंधीय फसल है, इसकी कृषि मुख्य रूप से कहाँ पर की जाती है, यूरोपीय प्रदेशों में की जाती है। तापमान 16 से 22 डिग्री, यानी कितना तापमान होना चाहिए, न्यूनतम तापमान 16, यानी लगभग 15 से 20 22 की जो एक रेंज होती है, उस रेंज वाले जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के अंतर्गत इसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन कम तापमान होने के बावजूद भी इस पौधे के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, धूप। वार्षिक वर्षा जो है लगभग 60 से 100 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए, यानी कम से कम 60 सेंटीमीटर और अधिकतम 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा जो क्षेत्र हैं, वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उन वर्षा वाले क्षेत्रों में चुकंदर का उत्पादन किया जाता है। मिट्टी उपजाऊ दोमट मिट्टी और ऐसी मिट्टी जिसमें चूने का अंश हो वो इसके लिए बड़ी उपयुक्त रहती है। बड़ी मात्रा में सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि खेती है, खेती के अंदर जब तक सस्ते श्रमिक नहीं मिलेंगे तब तक खेती लाभदायक उपक्रम साबित नहीं होगा और लाभदायक उपक्रम साबित नहीं होगा तो लोग इसको करेंगे नहीं, इसलिए खेती के अंदर सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। यह आप मैप के अंदर देख रहे हैं, इस मैप के अंदर गन्ना और चुकंदर दोनों को एक साथ दिखाया गया है। जो रेड कलर के अंदर जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो आपके गन्ने के उत्पादन के हैं और जो ब्लू कलर के अंदर जो आपको डॉटेड दिखाई दे रही हैं वो आपके चुकंदर के लिए हैं। अब आप देख सकते हो नक्शे में स्पष्ट रूप से कि चुकंदर का अधिकतम उत्पादन कौन से क्षेत्रों में हो रहा है, या तो यूरोपीय क्षेत्रों में हो रहा है, कुछ मात्रा अमेरिकी क्षेत्रों में भी हो रहा है, थोड़ी बहुत मात्रा के अंतर्गत दक्षिण अमेरिकी प्रदेशों में भी चुकंदर का उत्पादन हो रहा है। लेकिन चुकंदर के मुख्य जो क्षेत्र हैं, मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, ईयू, यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय जो देश है, वो चुकंदर के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। तो चुकंदर मुख्य रूप से यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, पोलैंड, स्पेन, जापान, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया में पैदा की जाती है। पहला, प्रथम और सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, इसका रूस है। रूस विश्व का सबसे बड़ा चुकंदर उत्पादक राष्ट्र है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी साइबेरिया, वोल्गा बेसिन तथा रूस के पश्चिमी क्षेत्र है। फ्रांस, इस देश का चुकंदर उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है तथा यूरोपीय क्षेत्रों में इसका कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। मुख्य उत्पादन क्षेत्र फ्लैंडर्स प्रदेश तथा पेरिस बेसिन है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चुकंदर उत्पादक राष्ट्र है, विश्व का 12% चुकंदर का उत्पादन होता है। यानी सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, रूस है इसका, रूस है। रूस के पास में अन्य देश यूक्रेन है, वो भी इसका एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। फ्रांस, जैसा कि आपको पता है कि यूरोप का सबसे बड़ा कृषि जो राष्ट्र है वो फ्रांस है और चुकंदर का भी सबसे बड़ी जो उत्पादन है वो कौन से क्षेत्र में होता है, फ्रांस में होता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका इसका तीसरा बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। फिर जर्मनी,
चुकंदर से चीनी बनाने की विधि सर्वप्रथम जर्मनी में ज्ञात हुई थी। इस देश का चुकंदर उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान, यूरोप में दूसरा स्थान, यानी विश्व में तो कौन सा स्थान है, जर्मनी का चौथा, और यूरोप में कौन सा स्थान है, दूसरा। विश्व में सबसे पहले चुकंदर से चीनी बनाने की जो विधि थी, जो तकनीक थी, वो कहाँ पर खोजी गई, सबसे पहले जर्मनी में, फिर टर्की। ये इस देश का चुकंदर उत्पादन में विश्व में पाँचवा स्थान है, था एशिया में प्रथम स्थान, यानी एशिया के अंदर किसका स्थान है, टर्की का पांचवा स्थान है, सॉरी विश्व में पांचवा स्थान और एशिया में प्रथम स्थान। अब इसका विश्व व्यापार, देखिए विश्व व्यापार चुकंदर का बहुत अधिक विश्व व्यापार नहीं होता। कारण क्या है कि चुकंदर मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोपीय देशों के अंतर्गत इसका उत्पादन होता है, और वहाँ पर ही इसके जो तैयार माल है, यानी चुकंदर का जो तैयार माल क्या होता है, चीनी होता है। और यूरोपीय राष्ट्र तो खुद ही सबसे बड़े चीनी के आयातक हैं, जब वो खुद चीनी का आयातक हैं तो वहाँ पर निर्यात करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस कारण अधिकतम जो जो उत्पादित सामान है, उस उत्पादित सामान की खपत अपने ही क्षेत्र में या अपने देश में कर ली जाती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो बी ए थर्ड पेपर था, बी ए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर का सेकेंड चैप्टर था, वो आज खत्म हुआ है। इसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार के विश्व की कृषि व्यवस्थाएँ और विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन, उनके भौगोलिक दशाएं, उनके वितरण और उनके विश्व व्यापार के बारे में अध्ययन किया है। ओके।